सर जैसे कि अभी बरसात शुरू हो गई है और बहुत सारे ऐसे कलवर्ट है जो अभी टूटना शुरू हो चुका है और बहुत सारे कलवर्ट मेंटेनेंस में भी है और वो जो नए कलवड़ी बनाना है, ऐसे में अल्ताबाड़ी खान टोला में एक कलवर्ट है जो L029 रोड में है और वो कलवर्ट टूट चुका था। आज से लगभग एक हफ्ता पहले की बात है कि जिला परिषद अहमद हुसैन और वहाँ की जो जनता थी वो लोग ये सवाल किए थे विधायक जी से कि विधायक जी ये कलवर्ट कब बनेगा। आज मुझे वहाँ से खबर आई कि ये कलवर्ट का काम शुरू होने वाली है और आज बैग मसाले गिराया जा रहा है, तो सर इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, अभी जितना भी चाहे वो FDR का काम हो चाहे मेंटेनेंस का काम हो, जहाँ भी टूटा है, जैसे आपका बकुड़ागंज भराधेम में भी है, अल्ताबाड़ी में भी है, इस तरह का आपका पतरगट्टी में मजार के पास, यानी इस तरह का जहाँ भी अभी डेयरी का भी मामला है, यानी जो रोड जिस विभाग से बना है उस विभाग को मेंटेन करना है, तो उसको विभाग को हम लोग जहाँ से भी खबर आई है उसका सूचना दे दिए हैं और वो जल्द काम शुरू भी हो गया, बहुत जगह कंप्लीट भी कर दिया और बहुत जगह कंप्लीट होना भी है। और अभी भगुड़ागंज का भी था, आज आने वाला था, वहाँ बोल दिया कि ठेकेदार जा करके आज उसको करेगा। आपका अल्ताबाड़ी में भी काम शुरू कर दिया गया है, आपका वहाँ पतरगट्टी वाला जो कलवर्ट का है उसको वहाँ कंप्लीट कर दिया गया, डेयरी के लिए भी बोला गया है, दुर्गापुर पंचायत जो है बनगवा दुर्गापुर पंचायत वहाँ भी है, यानी इस तरह का जो भी है, जो काम अगर जैसे नदी कटाव वाला भी है इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी आपका मेरा खारी बस्ती महेश बतना हो गया, बोचागाड़ी हो गया, निसंदरा हो गया, ये सब पॉइंट पर काम शुरू हो गया है। अभी आज से वहाँ सामान गिराना शुरू होगा, मुसलडंगा में हो गया, खारी टोला में हो गया और इस्लामपुर आपका धापत टोला हो गया, माली टोला हो गया, आपका खजूरबाड़ी है, तो ये सब का हम लोग रिपोर्ट कर दिए हैं और इंशाल्लाह ये सब में भी एक दो दिन में काम शुरू हो जाएगा। हम लोग तो प्रयासरत हैं, चाहे नदी कटाव वाला हो या जहाँ आवागमन में जहाँ दिक्कत है वहाँ भी, जैसे पंचायत में जहाँ जो कच्ची सड़क है जहाँ आवागमन में दिक्कत है, तो ऐसे सड़कों को भी वीडियो से बात हुई थी, वीडियो बोला है कि वो आप हमको एप्लीकेशन डलवा दीजिए, हम कर दें, तो हम समझते हैं कि लगभग 10 से 15 एप्लीकेशन अब तक पड़ा है जहाँ लोगों को काफ़ी आने जाने में, पंचायत का जो रोड है जहाँ मतलब आवागमन में काफ़ी दिक्कत है, तो ऐसे रोड पर भी टुकड़ा उकड़ा गिरा करके जाने आने अलग बना दिया जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं, जहाँ से भी सूचना मिलता है हम लोग जाकर के देखते भी हैं उसको और वहाँ से विभाग को सूचित भी कर देते हैं और इंशाल्लाह काम भी शुरू हो रहा है और ये सब काम चलते रहेगा। जहाँ दिक्कत होगा लोग सूचित करते हैं, हम लोग करेंगे उसको। सर कल सकारात्मक बिहार की टीम आपको खरखरी पुल और मानंदा पुल को लेकर ज्ञापन दी है, उसके लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा? पिछले जो फाइनेंशियल सेशन था उसमें हम लोग आवाज उठाए थे उसके लिए, मानंदा पुल के लिए, तो खरखरी के लिए तो नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि वही डबल दूसरा पुल निर्माण हो, क्योंकि ये पुल अब जर्जर हो चुका है, कभी भी ये धोखा दे सकता है और एकमात्र पुल है मानंदा में, 50 किलोमीटर की दूरी पर कहीं पुल नहीं है, तो हम लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठाए थे इसके लिए और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम लोग अभी जो सेशन शुरू होने वाला है, मानसून सत्र जो अभी चलेगा, तो इसमें हम लोग आवाज़ उठाएंगे इसका कि खरखड़ी में भी पुल हो और मानंदा में भी पुल का निर्माण हो, चूँकि आगे चल के अगर ये पुल डैमेज हो जाता है तो लोगों को जिला से कहीं संपर्क टूट ना जाए, इसके लिए हम लोग सरकार को भी सचेत करेंगे और प्रयास भी करेंगे कि यहाँ के लिए यहाँ पुल का निर्माण हो दोनों जगह। सर जैसे कि आपके बगल में जो विधानसभा है कोटाधाम, वहाँ पे जो नदी किनारे नदी कटाव के लिए जो बाढ़ रोधक काम हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बहादुरगंज से बेहतर वहाँ पे हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब हम तो कोई धमन का जानकारी नहीं है भाई, अगर बेहतर हो रहा है तो आप लोग जाकर के माना कीजिए कि मेरा बेहतर हो रहा है या उनका बेहतर हो रहा है, तो ये लोग आप बता सकते हैं, हम तो कोई धमन गए नहीं है देखने के लिए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र का देख रहे हैं कि हम लोग तो जो ही इमीडिएट और हम समझते हैं कि जिला में सबसे पहले मेरा ही क्षेत्र में FDR का काम शुरू हुआ, यानी कि नदी कटाव का काम को रोकने का काम जो हुआ जल निष्ण विभाग के द्वारा, मेरा पहला ही मतलब FCD का जो काम हुआ, फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट का काम शुरू हुआ है मेरे क्षेत्र में, खारी बस्ती में शुरू हुआ है, सबसे पहले शुरू हुआ था और हम समझते हैं कि बेहतर हो रहा है। अब हो सकता है कि आप लोगों का नजरिया आप लोग देख करके आप ही लोग इसका ये करेंगे कि कहाँ बेहतर हो रहा है, बोलो आप लोग बता पाइएगा, हमको तो जानकारी नहीं है इसका। जी।